किया यहाँ पे वंदना का, हम सरस्वती के उपासक हैं, उपासक थे, उपासक हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आ गया जब जब हम सरस्वती के खल बन गए और उन्होंने श्रीमद् भागवत से, वो जो मुझे याद नहीं था, श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट की है, उन्होंने कहा हमारा काम तो ज्ञान को फैलाना था और हमने अपने ही लोगों को ज्ञान के रास्ते बंद कर दिए, तो हमारे समाज को तो कमजोर होना ही, हमारी परंपरा को कमजोर होना था। अब हमें उसका, हमारे यहां अब नहीं, मतलब जिसे इंडियन रिनेसा कहते हैं, कम से कम 200 साल आप कह सकते हैं, जहां हमारे जो थॉट लीडर्स थे, जो वो विचारक थे, जहां उनको इसका एहसास हुआ और जहां उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाए और आजादी की बात तो बहुत ही अच्छा। और आप जैसे लोग भदौरिया साहब, वो जो पाप हमने किया था उस पाप से आप हमें उबारने का काम इतने प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको फिर बधाई देता हूँ। त्रिपाठी साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत, वो खैर हमारे बहुत पुराने हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ। प्रिंसिपल साहब आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बधाई, आपके अभिभावक जो है उनको बधाई देता हूँ, और जो छात्र हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पता नहीं आपके माता पिता कितनी कठिनाई उठा के, हो सकता है कई दफा अपनी बहुत ही जरूरतों को काट के और आपकी शिक्षा के लिए वो सब कुछ करते हैं जो कुछ, उनको कभी कभी अपने दिमाग से मत निकालिए। गुरु, भारतीय परंपरा में गुरु को कहा गया है गुरु अंधकार निरोधता, अंधकार का को जो खत्म कर दो। आप दुआ भी मांगते हैं, असतो मां सतगमिया, तमसो मां ज्योतिर्गमिया, मिट्टी और मां हमने तब, तो वो जो ज्योति की तरफ ले जाने वाला वाली एजेंसी है वो गुरु है।